नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। मध्य प्रदेश डीजीपी की कमान संभालने के बाद पहली बार ग्वालियर पहुंचे विवेक जौहरी ने ग्वालियर चंबल संभाग के पुलिस अधीक्षक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपराधों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सभी तरह के अपराधों को लेकर बात की गई है। पुलिस का प्रयास अपराधों पर लगाम लगाना है और अपराध घटित होने के बाद अपराधियों को पकड़ना है। आज मुरैना में एक जवान को रेत माफियाओं द्वारा कुचलने के सवाल पर कहा कि अवैध उत्खनन लगातार चल रहा है, इसे एकदम से नहीं रोका जा सकता है। जब जब उसे रोकने का प्रयास किया गया है, तब तब खनन माफिया इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। अपराधी कोई भी हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं जब उनसे पूछा गया कि ग्वालियर चंबल संभाग के अधिकांश स्थानों में राजनीति पोस्टिंग होती है और यही कारण है कि माफिया पनप रहे हैं, तो उन्होंने इसको सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पोस्टिंग सरकार के नियम अनुसार होती है, कोई राजनीतिक पोस्टिंग पुलिस में नहीं होती है। वहीं मध्य प्रदेश में मोबाइल लीचिंग सवाल पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई मोबाइल लीचिंग की घटना नहीं हुई है। इंदौर में हाल ही में पकड़े गए आरोपियों को आतंकी संगठनों से तार जुड़े होने के सवाल पर कहा कि हमने ऐसे लोगों के खिलाफ रणनीति बनाई है, लेकिन उसे मीडिया में उजागर नहीं कर सकते हैं। वहीं साइबर क्राइम पर कहा कि एमपी में सारे नहीं, देश में साइबर क्राइम बढ़ा है, लेकिन उसे रोकने के लिए टूल अपनाने चाहिए। वहीं पुलिस देखिए, ये समस्या लगातार चल रही है और कोई एकदम से ख़त्म नहीं होगी इसमें, क्योंकि अपराधियों के जो हौसले हैं, जब जो इस काम में लगे होते हैं, वो जनरली काफ़ी, जिसे कहते हैं, हाई होता है, ज़्यादा होता है। पुलिस इसमें हर मामले में कार्रवाई करती है और इसमें भी किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। लगातार जो आपका कहना है कि हमले हो रहे हैं, ये भी एक ऐसा ऑफेंस है जो चलता है और होता है बीच बीच में, क्योंकि हर तरह के अपराधी होते हैं। कुछ जो हैं वो आसानी से नियमों को नहीं मानते हैं, और जब कार्रवाई शासन की तरफ से होती है, चाहे पुलिस करे या खनिज वाले करें या वन विभाग करे, तो उसका विरोध वहाँ किया जाता है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती है और लगातार हम लोग इसमें स्ट्रिक्ट कार्रवाई करते रहते हैं। ऐसे होते हैं जहाँ पर राजनीतिक पोस्टिंग होती है, और क्या आप मानते हैं कि ऐसे थानों में अंकुश रहता है वहाँ के अधिकारी का या किसी का, क्योंकि राजनीतिक पोस्टिंग जब होगी तो वो मानेगा नहीं कि ऐसा काम करेगा। ऐसा कोई थाना नहीं है जिसमें राजनीतिक पोस्टिंग होती हो। चंबल अंचल की बात, पोस्टिंग जो है वो सरकार करती है और सरकार के नियमों के तहत होती है, चाहे चंबल हो चाहे ग्वालियर हो। सर, लेकिन उसको उस घटना को लेकर कुछ आदेश दिए कि आपके संज्ञान में मीटिंग में आए कि इतनी बड़ी घटना हुई, पुलिस जवान को जब रेत माफिया कुचल रहे, तो उस घटना को लेकर? तो ये मैंने कहा ना आपको कि ये पहले ही घटना नहीं है, पहले भी हुई है, और हर तरह इस तरह की घटना की समीक्षा भी होती है और इसमें स्ट्रिक्ट कार्रवाई भी की जाती है, इसमें भी की जाती है। सर, दोनों संभागों की जो मीटिंग हुई है, उसमें किस तरह के अपराध पे ज्यादा चर्चा हुई है, किस तरह के अपराध अभी ग्वालियर चंबल में ज्यादा सामने आ रहे हैं? इसमें हम सभी अपराधों पे चर्चा करते हैं, तो ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है जिस पे मैं आपसे डिस्कस कर सकूं। ये सभी मदों पे डिस्कस करते हैं। अपराधों का ट्रेंड आया था, पिछले समीक्षा बैठक में आया था कि जो नाबालिग बच्चियां बेला फटाक ले जाने वाले मामले ग्वालियर अंचल में सबसे ज्यादा बढ़े थे जी, उनका इजाफा हुआ था। तो आप ये जान लीजिए, ये बिल्कुल इसकी भी समीक्षा हुई है, और ये भी आप जान लीजिए कि ग्वालियर जोन ने उनकी बच्चियों को रिकवर करने में सबसे अच्छा काम किया है।
तो वो लगातार कार्रवाई पुलिस की चलती है, इसीलिए ये समीक्षा की जाती है। साइबर क्राइम की